एक कठपुतली ने विद्रोह किया है। ये बहुत देर नहीं चलेगा, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात होगी। क्या कहा? ऐसा लगता है कि तुम उससे सहमत हो। उसके तरीके बहुत ही अच्छे हैं, पर मैं उन्हें और भी बेहतर बना सकता हूँ। वो कैसे? क्यूलिंग जू का एक बड़ा योद्धा है, वो खुद को हमारे हवाले कर दे ऐसा हो नहीं सकता। अगर उसे जिंदा रखा तो वो मुसीबत बनेगा। चिंता तो मुझे भी हो रही है, पर अगर हमने उसे मार दिया तो हम पूरी दुनिया को क्या कहेंगे? मेरे पास एक अच्छी तरकीब है, हमारे एक ही कदम से सारी मुसीबतें हल हो सकती हैं महाराज। कौन सी? महाराज, आपके पास चार समस्याएं हैं, क्यूलिंग, राजकुमारी ली, राजकुमार या और जू। क्यूलिंग लिंजी पहुंचने से पहले जुडाऊ से गुजरेंगे, उसे वहां मारने के लिए हमारे 8 सबसे खतरनाक सिपाही होंगे। अगर वो जुडाऊ में मारा गया, इसके लिए यही जिम्मेदार होगा। ऐसे में हम राजकुमार या को बड़े आराम से मार सकते हैं महाराज। अगर जू के लोगों को स्पष्टीकरण चाहिए तो हम राजकुमार या को हत्यारे के रूप में दिखा सकते हैं, इस तरह जू के लोग उसे छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। उस वक्त राजकुमारी ली ही हमारे लिए सबसे आसान समस्या होगी। राजकुमार, थोड़ी देर आराम कर लो, ये सब तो नौकर भी कर लेंगे ना। बागवानी खुद ही करनी पड़ती है, इससे मैं पौधों को महसूस करता हूँ। कैसा मजाक कर रहे हैं, पौधों को रूह थोड़ी होती है। सभी को रूह होती है, पौधों में सबसे अच्छी रूह होती है, ऐसी रूह सिर्फ मेरी बहन के पास है। राजकुमारी ली आज जोड़ों में आनी चाहिए, मैं उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रही हूँ। हमने भी बहुत सालों से बात नहीं की, मुझे भी इंतजार है। मुझे लगता है तुम्हें शुनहुआ की बहुत याद आ रही है। मेरा मजाक मत उड़ाओ। जनरल क्यू, जुडाऊ हमारे सामने है और जब हम जुडाऊ से होकर जाएंगे हम लिंजी पहुंचेंगे। राजकुमारी तुमसे बात कर रही है, तुम कैसे इंसान हो? राजकुमारी तुम और सैनिक क्यों नहीं बुला लेती? अगर वो हमें मारना चाहे तो हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। उसकी जरूरत नहीं है, क्यों अच्छा इंसान है, मुझे उस पे भरोसा है। पर हमें बेफिक्र होकर नहीं चलेगा, हम भी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। हम इसे पहाड़ों की ओर भेजते हैं। वो एक सच्चा आदमी है। तुम उससे प्यार करती हो है ना? चुप रहो तुम। जुड़ो में थोड़ा आराम करेंगे और तुम जाकर मेरे भाई को देख कर आओ। मैं बहुत ही विनम्र हूँ, राजकुमार से मैं कोई उम्मीद नहीं रखती। मेरा भाई दयालु है, वो तुम्हें तहे दिल से चाहता है। वो अभी भी बचपन से हमारी मांगे जाने के दुख में जी रहा है, उसने अभी तक प्यार का विचार नहीं किया है। चलो चलते हैं।
ट्यान वशांग, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजकुमारी, सम्राट का आदेश है कि राजकुमारी को जल्द से जल्द वापस सैन्य में जाना चाहिए, जू के हमले को रोकने के लिए। मुझे टोकन दिखाओ। पर ये मुद्दा मुझसे मदद मांगने के लिए बहुत छोटा है। राजकुमारी, मैं बस आदेश मान रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, क्योशोई सेना शहर की रक्षा कर रही है। बस मुझे जनरल क्यू को सुरक्षा का जिम्मेदार होने दो और मैं जनरल को खुद लेकर जाऊंगी। राजकुमारी, चीजें और मुश्किल ना करो। मेरे रास्ते से हट जाओ, समझे तुम? सुना नहीं तुमने? टेन वशांग, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैं तुम्हें कभी दया नहीं दिखाऊंगी। राजकुमारी, इस सौम्यता के लिए आपका धन्यवाद। मैं उनके साथ जाता हूँ, आप वापिस जा सकती हैं। जनरल, हम पे भरोसा करिए। तो यहां से जाओ। चलो 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 चलो। क्या करें अब? वापस चलो। चलो चलते रहो। तुम लोगों को क्या चाहिए? मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा हूं। ठहरो। क्या बात है राजकुमारी? मेरे बड़े भाई को क्या चाहिए? 8 गोल्डन ईगल सैनिक क्रैक ट्रूप्स हैं, जो उन्हें मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या वो क्यूलांग को मारना चाहता है? नहीं, शुनवा, उनके पीछे चलो। जनरल को बचाती हूँ, तुम जुड़ो जाओ छोटे भाई को ढूंढने और उसे सेना भेजने दो। ये बहुत खतरनाक आदेश है। सिर्फ सम्राट का आदेश पाल रहा हूं। Yeah!
हाँ।